वेलकम टू एमटीसी। आज हम लोग जो सीखेंगे वो है हमारा पार्टनरशिप चैप्टर के पहले जो आता है वो नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहला जो आज हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीका से न्यू रेशियो निकाला जाता है। ये हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है। तो आइए देखते हैं। यहां बोर्ड में मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स, अल्फा और बीटा दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन लोग का शेयरिंग रेशियो कितना है भाई? पार्टनरशिप में एक शेयरिंग रेशियो होता है तो 3:2 है। दे एडमिट, वो लोग सहमत हुए कि एक नया पार्टनर को एडमिट किया जाए जिसका नाम है गामा। उसको जब गामा को एडमिट करेगा तो अपना पार्टनरशिप में लेगा तो उसमें उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा, अपना हिस्सा देना पड़ेगा, कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा, कुछ एसेट्स को लेके आना पड़ेगा। इस तरीका का ये कंसल्ट रहता है। तो गामा का रेशियो, गामा का शेयर कितना है? 1/4। कितना है? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फाइंड न्यू रेशियो। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो भाई किसका किसका है? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर हमारा कौन है? अल्फा और बीटा। यहां लिख दिए अल्फा और यहां लिख दिए बीटा। तो इनका शेयर कितना है? 3:2 है। तो 3:2 है तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा? 3+2=5। तो अल्फा का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? शेयर कितना हो जाएगा? 3/5। और बीटा का शेयर कितना हो जाएगा? 2/5। क्लियर? अल्फा का हो गया 3/5, बीटा का हो गया 2/5। अब न्यू पार्टनर कौन आया? न्यू पार्टनर आया हमारा गामा। गामा कितना शेयर लेके आया? 1/4। तो न्यू पार्टनर कौन आया? न्यू पार्टनर शेयर गामा। ओके, तो न्यू पार्टनर शेयर गामा लेके आया कितना? 1/4। क्लियर? तो 1/4 जो लेके आया तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? यहां तक तो देख लिए, ओल्ड रेशियो 3/5 अल्फा का, बीटा का 2/5 और न्यू पार्टनर का शेयर गामा का कितना है? 1/4। ओके, तो यहां हमेशा क्या मानेंगे? लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। कितना मानेंगे? 1। देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा भाई? रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू, माने बचा हुआ जो शेष प्रॉफिट का हिस्सा है वो कितना होगा? 1 माइनस कितना है? न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसको माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1/4। जैसे ही किए तो हमारा कितना आ गया? 4 4-1=3/4 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। ये हमारा हो गया रिमेनिंग प्रॉफिट। क्लियर? यहां तक निकालने के बाद अब क्या करेंगे? देयरफॉर एनपीएसआर, शॉर्ट फॉर्म है एनपीएसआर, इसका पूरा फॉर्म होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालेंगे? क्योंकि पहले ओल्ड का केवल 2:1 3:2। अब जब नया पार्टनर शामिल हो जाएगा तो तीनों का रेशियो कितना होगा वही हम लोग निकालेंगे। तो अब तीनों का नाम देंगे, अल्फा बीटा गामा, तीनों का नाम दे दिए। अब अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा का पहले का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5, तो यहां दिए 3/5। बीटा का कितना था? 2/5। ओके, गामा का कुछ था नहीं, गामा जो अपना शेयर लेके आया था वह 1/4 था। क्लियर? वो अपना शेयर दे दिए लेकिन इन दोनों का ओल्ड था। तो जिसका ओल्ड था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 3/4। तो ये केवल अल्फा और बीटा में ही मल्टीप्लाई होगा, गामा में नहीं, क्योंकि गामा तो न्यू लेके आया है, उसका ओल्ड रेशियो नहीं था इसीलिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका होगा? अल्फा और बीटा का। उसके बाद
इंटू किए तो कितना हो गया, 3 3 9 5 4 20, 3 2 6 5 4 20। अब इसका बेस में जो अंश और हर बोलते हैं, हर जो है वो नीचे कितना है 20 है, तो नीचे का इक्वल करने के लिए इसमें कितना इंटू करना पड़ेगा, 4 से 20 को डिवाइड देंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, 4 5 20, तो 5 से नीचे भी इंटू करेंगे, 5 से ऊपर भी इंटू करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 by 20। क्लियर? देयरफोर इनका रेशियो कितना आएगा, 9 by 20 is to 6 by 20 is to 5 by 20, तीनों का नीचे में 20 20 20 है, कट गया तो आ गया 9 is to 6 is to 5। यही है हमारा न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आशा करते हैं समझ में आया, ये है हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना देखेंगे, और यही है, ये आसान तरीका है, इस तरीका से हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।